स्वच्छ भारत अभियान चलाए जाने का भारत में पूरा असर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, तो जिसका असर देखने को मिला इलाहाबाद के अरैल घाट में स्वच्छ अभियान के दौरान। पटविंदर सिंह ने बताया कि गंगा जी को स्वच्छ रखना है। पटविंदर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मुहिम छेड़ी है स्वच्छ भारत अभियान का, यह अभी तक 50% लोग इसमें जुड़ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भारत स्वच्छ रहेगा। तो इसी के साथ ही महिला विकास समिति की नैनी की प्रिया मिश्रा और रचना त्रिवेदी का क्या कुछ कहना था, देखिए। जिस तरह इलाहाबाद अरैल घाट में हम पहुंचे हुए माने का पहले से तो काफ़ी प्रयास से साफ हुआ है, अभी उतना नहीं आया है, आम जनमानस के अंदर घुट घुट के नहीं पड़ा है, अभी आदत में नहीं आई स्वच्छता, मगर फिर भी 50% प्रभाव पड़ा है मोदी जी के, ऐसा उनके अंदर हिचक आई है, देख ताक करते हैं, मगर अब तब भी बहुत फर्क पड़ा है, और इसी तरह अगर चलता रहा तो एक दिन भारत पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। हमारी जो स्वच्छता अभियान को लेकर के ये अभियान चलाई हुई है तो बहुत सा फर्क पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि ऊपर ऊपर सफाई करने से हमारी गंगा माँ साफ नहीं होंगी। मेरा कहना ये है कि हमारी गंगा माँ का गंदगी का कारण ये है, तो स्वच्छ करके किसी सिंचाई में और अन्यथा कार्य में लगा दिया जाए, जिस कारण वो कहीं यूज हो सके। और पॉलीथीन का जो अभियान चला हुआ है, कोर्ट ने उसका हद तक रोक तो लगाया है, लेकिन पैसा लिया जा रहा है कि पॉलीथीन बंद किया जाए। इसके कारण है मुख्य जो कल कारखाने कंपनियों को चलाए जा रहे हैं, उसको अगर बंद कराया जाए तो शायद है कि पॉलीथीन बंद हो, क्योंकि गंगा माँ के किनारे फेंक दिया जाता है। गंगा माँ में फेंकने के बाद गंगा माँ हमारी गंदी होती हैं, फूल माला का जो वो होता है वो इसी गंगा माँ से बाहर करके एक जगह इनको सुरक्षित करके इनमें आग लगा के जलाया जाए। यह नाम प्रिया मिश्रा, एडीए नैनी, विकास महिला विकास समिति से अध्यक्ष हूँ। मैं स्वच्छता अभियान को लेकर के, मैं जहाँ तक मुझको याद आ रहा है कि कमलापति त्रिपाठी के ज़माने से इस स्वच्छता अभियान रखा है, जिसके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग हमारे समिति से जुड़े हुए हैं उनको भी इस बात के लिए हम उनको समझाएं, कहें कि यहाँ पर सौदागृह बनाए जाएं, जिसमें जो है शौच जलाए जाएं, और जो है ये गंदगी है उसमें प्रतिबंध हो कि क्षेत्र में कहीं भी जो है शौच जलाया न जाए। आप इस तरीके से रखिए, और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर किसी पॉलिथीन यहाँ आ जाती है तो अपने पास एक डिब्बा रखें, उस डिब्बे में पॉलिथीन को डलवाएं। कैमरामैन राकेश पाल के साथ।